हेलो स्टूडेंट दिस इज योर मोरल वैल्यू क्लास टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ चैप्टर फोर एक लव ऑन इज मेनी विजिट्स टू हस्तिनापुर एक लव वॉच हाउ द यंग बॉयज व प्रैक्टिस आर्चरी ही ऑब्जर्व देम nili and soon he knew how to make a bow he collected a few arrows he had heard that, heard that donacharju was the best teacher of archery i am his disciple a told himself He put a stone image of Donacharya on a mount at the foot of a tree and he bowed to the ideal. Then he began to practice his art with devotion. All day long he practiced shooting arrows. It was hard work but he did not give up. Slowly but steadily, his marks. मैनशिप इम्प्रूव हस्तनापुर की अपनी कई यात्राओं में एकलव ने देखा कि कैसे युवा लड़के तिरंदाजी का अभ, अभ्यास कर रहे थे उन्होंने उन्हें गौर से देखा जल्दी वो धनुष बनाना चाहता था उसने कुछ तीर एकत्रित किए उसने सुना था कि द्रोणाचार्य जो धनु विद्या के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक थे सि... मैं उनका शिष्य हूँ एकलव ने खुद से कहा उन्होंने एकलव का आ... दो मैं उसके शिष्य हूँ एक लोम ने खुद से कहा उन्होंने दोना की एक पत्थर की मूर्ति को एक पेड़ के नीचे एक पर्वत पर रख दिया और उन्होंने मूर्ति को प्रणाम किया और फिर उन्होंने भक्ति के साथ अपनी कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया दिन भर वो दिन भर तीर चलाने का अभ्यास करता था कठिन कार्य था लेकिन उन्होंने हार नहीं माना धीरे धीरे उसने सुरु किया किया ले, धीरे धीरे लेकिन लगातार उसकी निशानेबाजी में सुधार हुआ सुन एकल गेंद फारद Mastery, he could strike his target just by watching only at the target's reflection. He could kill a beast just by hitting his arrow in that direction. From where the bleed or the below of the beast came from, even through the beast remained invisible. He became a great चार लाइक अर्जुन ए ग्रीट ग्रेट डिसन डील विथ डिजपॉइंटमेंट वर्क हार्ड टू एचीव परफेक्शन जल्द ही एक लव ने और महारत हासिल कर ली ये केवल लक्ष्य की प्रतिबिंब को देखकर ही लक्ष्य पर प्रहार कर सकता था ये एक जानवर को मार सकता था बस अपने तीर को उस निशाना में उस दिशा में मार कर जहाँ से जानवर का खून या धमाका आया था वहाँ तक कि जानवर के माध्यम से भी जानवर के माध्यम से भी अदृश्य रहा ये दोनाचार्य ने द्रोणाचार्य के एक महान शिष्य अर्जुन के तरह बना एक महान धनुण बन गया उनकी सफलता में बताती है निशा निशानाओं से निपटना सीखे मर्यादा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें आप लोग को इस कहानी अभी खत्म कर हो गया और आप लोग को इस शिक्षा इससे ही मिला अगर आदमी मेहनत करना चाहे तो लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहे तो जरूर प्राप्त कर सकते हैं ये आप लोग पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट दिन हम क्वेश्चन आंसर बताएंगे थैंक यू